पर डिस्कशन करूं। अच्छा सबसे पहले यहाँ पे किसने एग्जाम नहीं दिए वो हैंड रेज करो। 53 स्टूडेंट्स में से जिसने बेटा एग्जाम नहीं दिए पहले वो हैंड रेज करो। हेतवी जिसने बेटा एग्जाम नहीं दिए वो हैंड रेज करो। ओके तो यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स बैठे सबने एग्जाम दिए। वरुण हेतवी यस मैम सबने दिए एग्जाम दो को छोड़ के। वेरी गुड। और ऐसा कोई है जिसका पेपर सबमिट करना बाकी है अभी जैसे अभी तक पीडीएफ भेजा ही नहीं है भूल गए थे या पीडीएफ बनी नहीं या जो भी तुम्हारे एक्सक्यूज है। Nobody. Very good. Okay. Sure. Then let's start paper. Shivali ma'am. हाँ जी ma'am. ध्रुविल मालविया ने भी एग्जाम नहीं दिए। कहाँ है ये ध्रुविल कहाँ है ध्रुविल? हेलो मैडम मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है तुम तक। हेलो हेलो यहाँ ऐसा मैं कितनी बार बोला बेटा किसने एग्जाम दिए किसने एग्जाम दिए कितनी बार ये मैम मैं अभी ज्वाइन हुआ अभी मैं 6-7 मिनट लेट हो गया ज्वाइन होने में अभी ज्वाइन हुआ बेटा कब से ज्वाइन हो मैं तुम्हें कैमरा ऑफ करने के लिए बोला। हाँ मैम मैं तब ज्वाइन किया होगा ना मैम। मैम फोन करो ना इसके घर पे और बोलो कैमरा भी ऑन नहीं रहते। यस मैम। मैम डिस्प्ले टूटी हुई आप बोलो तो मैं अपने ब्रांच में आके दिखा दूं मोबाइल अपना। क्या दिखा ध्रुविल एग्जाम क्यों नहीं दिया था? मैं भूल गया। भूल गया आप मुझे फोन कर लो मैं बात कर लूं घर पे छोड़ यस यस So we'll start sharing. I'll start screen sharing. नित्या बेटा ये लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू कैमरा ऑन रखना है। ऋषि हाँ कैमरा ऑन नहीं रख सकते ना तो यहां से निकल जाना लेक्चर से। ओके नाउ 30 मार्क्स का था पेपर चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स का। फर्स्ट अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री डैश इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलीनोमियल बोलो। ऑप्शन ए वेरी गुड सो डिग्री 1 दिस इज द आंसर। x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल देन द वैल्यू ऑफ x इज 10 माइनस 10 इधर x माइनस 2 है यानी x इक्वल्स टू 2 आएगा। ओके x इक्वल्स टू 2 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वल्स टू 0 रखेंगे सो यू विल गेट द वैल्यू। So everybody can see my board, right? Board दिख रहा है ना सबको? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. 7x square kx minus 16. So x की value 2. Zero. 2 का cube 8. 8 3s are 24. का स्क्वायर 4 7 4 28 प्लस 2 के माइनस 16 इक्वल्स टू 0 सो दिस विल बी 2 के माइनस 4 माइनस 16 है माइनस 20 वैल्यू ऑफ के विल बी
सबका आ गया हो ये k equal to 10, this was very easy. Yes ma'am. Yes ma'am. Yeah, so k equals to 10 is the answer. Next is, given that one of the zero of the quadratic polynomial is zero, then the other polynomial is minus b upon a. Minus b upon a. B. Minus b upon a. One of the zero of the polynomial is zero. मतलब अल्फा बीटा में से एक, कोई भी एक जीरो है, तो दूसरे की वैल्यू क्या है? कैसे करेंगे? Who will tell me? मैं माइनस बी अप माइनस बी अपॉन ए कैसे आया बताओ युग सर वो ऐसा रूल था अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है युग माइक ओपन करो अपना युग माइक ओपन करो यस मैम किया अल्फा इनटू बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन तुमने ये लिखा है पेपर में तुमने पेपर में ये लिखा है यस मैम अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन है और तुम्हारा आंसर भी आ गया है नित्या बोलो यस मैम कैसे आएगा ये मैम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है यस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए फिर अल्फा बीटा में से कोई एक जीरो है सो दूसरे जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए सो ऑप्शन इज माइनस बी अपॉन ए युग तुम्हारा बेटा आंसर राइट होगा ना तो भी आई विल गिव रॉन्ग अपने को गूगल से पूछ के नहीं बताना है खुद पूछना है कितना है ठीक है नहीं मैम मैंने गूगल से सर्च तुम इफ यू आर राइटिंग अल्फा इनटू बीटा माइनस बी बाय ए तो कभी आंसर आएगा ही नहीं कैसे आएगा बताओ अल्फा इनटू बीटा माइनस बी बाय ए लिखोगे तो आंसर कैसे आएगा अल्फा जीरो है तो बीटा सब कुछ जीरो ही हो जाएगा सी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए आ जाएगा कैसे आएगा पूरा चैप्टर बेटा ये दूसरी बार एग्जाम हो रहा है और मैं ये बोल बोल के थक गई दो ही फॉर्मूला है दो फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में वो भी अपने को याद नहीं है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय वो भी याद नहीं है ओनली टू फॉर्मूलास और वो भी बहुत बड़े नहीं है अगर ये दो फॉर्मूला भी युग याद नहीं रह सकते और बाकी लोगों को भी तो फिर छोड़ दो 10th स्टैंडर्ड ही छोड़ दो फिर टू सिंपल फॉर्मूलास इफ यू कांट रिमेंबर इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड a माइनस b इक्वल्स टू 6 फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल x माइनस 2 इज अ फैक्टर अगेन यू हैव टू डू x इक्वल्स टू 2 So the polynomial is given to you x cube a x square plus bx plus 16. Of x equals to 2 you have to put equals to 0. So 2 ka cube is 8. 2 ka square is 4. 2b plus 16 equals to 0. Up. यहाँ पे तुमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर दिया इसलिए ये सब मैंने इसमें डाला था तो यू शुड नो यहाँ से तुम्हारा एक इक्वेशन आएगा From this you will get one equation. Kya hoga wo equation? 4a plus 2b
be 16 plus 8 is now get 24. You will take out 2 common, so it is 2a plus b plus 12. और दूसरा इक्वेशन तुमको दे रखा है a minus b equals to 0. So do you know how to solve these two equations? First equation x equals to 2 रखो आ जाएगा एक इक्वेशन मेरा वो इक्वेशन ये आया 2a plus b minus 12 equals to minus 12 लिख सकते हैं मैम a minus b equals to मैम a minus b equals to 6 हाँ तो ये हो गए दो इक्वेशन ये सेकंड वाला क्वेश्चन में दिया है a माइनस बी इक्वल टू सिक्स ये दिया है सेकेंड ठीक है और फर्स्ट निकाला अभी एलिमिनेशन करेंगे सो 3a प्लस 4a इक्वल टू माइनस 12 वैल्यू ऑफ a इज माइनस 4 एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ कहीं पे वो 6 है 0 कहाँ पे 6 है एक ही वैल्यू माइनस टू आई तो ये वाला जो इक्वेशन दिया है इसी में इसमें माइनस टू पुट कर दो माइनस टू विल गो हियर इट विल बिकम प्लस टू तो बी की वैल्यू माइनस माइनस हाँ इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इज डिवाइडेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन द डिग्री ऑफ द कोशेंट पॉलिनोमियल इज 3 अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 सिंपल है ऐसे देखो खाली इधर रखो x डिग्री 5 मतलब x का पावर 5 ओके जस्ट राइट x का पावर 5 इज डिवाइडेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक में क्या होता है x का स्क्वायर होता है क्वाड्रेटिक क्या होता है x स्क्वायर तो x पावर 5 वाला पॉलीनोमियल अगर x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो करो देखो ये डिवाइड करो तो इधर कोशेंट में क्या आएगा x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करोगे x पावर 3 5y 3 तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक जो पॉलीनोमियल है अरे ये कोशेंट जो है वो क्या होगा क्यूबिक पॉलीनोमियल पावर ऑप्शन सी 3 क्वेश्चन जो है वो क्यूबिक होगा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर 5 एंड 17 फाइंड द पॉलीनोमियल आई होप सबको आया होगा सम दिया है मतलब अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट दिया है अल्फा बीटा सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 17 फाइंड नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस 3 जीरोस 3 2 एंड 3 फाइंड द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड द सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है क्या आएगा इसका अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन सी अपॉन ए व्हिच इज माइनस 7 ए सी अपॉन ए माइनस 7 If the sum and product of the zeros of the polynomial are minus half plus half, find the polynomial. आ गया सबको LCM लेना होगा. तो I think इसका answer आएगा 2x square minus x plus 1 और बाहर आएगा 1 by 2. Yes ma'am. Right? Yes ma'am. Using division. Loss bond नहीं आएगा इसमें. Using division show that this is a factor. ये इसका फैक्टर है डिवीजन करना है मतलब यू हैव टू डू द लॉन्ग डिवीजन शो दैट मैम आ गया था मैम फैक्टर है मैम फैक्टर है सबसे पहले स्टार्ट होगा 2y³
थ्री टू दिक्स फिर फाइव टू का यहाँ पे लिखेंगे सिक्स का पावर फाइव फाइव टू का टेन वाई क्यू दिस विल गेट कैंसिल ओके नाउ 15 by 4. 15 by power 4 as it is. 16 minus 10, that is plus 6. Plus 6 by 4. So this is 3 y square. Okay, so 3, sorry, 5 y square. So 3 pi is 15 by power 4. So we have 15 by power 4. 5 pi is 25 y square. Four minus this is 21. 10y minus 35. So फिर से ऊपर आएगा 2y. और 2y के बाद क्या आएगा? Minus 7. Minus 7. Seven. So मतलब remainder 0 आ जाएगा. Further ऐसे करते so you'll get remainder again 0. So if remainder is 0, last में ये line लिखना compulsory है. That it is a factor. Yes, it is a factor. Yes. Find the zeros of. This was the textbook question. इसमें क्या करेंगे सबसे पहले? Splitting. Splitting the splitting middle term. Rearranging. Rearranging in standard form. Yes. So you have to rearrange it. 6x square minus 7x minus 3. Okay. Afterwards, ये क्या किया? Rearrange. मतलब 6x square के बाद पहले 7x का टर्म आएगा और फिर 3 आएगा. Okay. अब 6 3 is 18. Minus 9x plus 2x. 9 and 2. Right. और जीरो फाइंड कर रहे हैं ये इक्वल्स टू जीरो क्या नेक्स्ट चेक वेदर द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलीनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलीनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलीनोमियल ओके सो सेम यू हैव टू डिवीजन एंड यू हैव टू चेक यू हैव टू डू द डिवीजन ये है तुम्हारा दिस इज योर डिविडेंड ओके ये दिस इज योर डिविडेंड This is your divisor. You have to do the division. I'll stop teaching बेटा मेरे को अगर 70-80% का कैमरा ऑन नहीं दिखा I'll stop teaching there is no sense ना बेटा मैं ब्लैक स्क्रीन को थोड़ी पढ़ाऊंगी बैठ के कोई दिखना तो चाहिए मेरे को सामने क्वेश्चन नंबर 12 में किसी को डिफिकल्टी है नो मैम ओके क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया मेरा सिंपली फिर से डिवीजन ही करना है x square plus 3x plus 1 से नाउ क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 4 रूट 3x square plus 5x minus 2 root 3
बताओ किसका करेंगे स्प्लिट, ये फैक्टराइजेशन मेथड है, स्प्लिटिंग एग्जाम करना ही है। प्लस 8x माइनस 3x, तो पहले पीछे ये और ये, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई। 24 यस मैम, 20 मैम, माइनस 8 प्लस 4 टू द 8, रूट 3 इनटू रूट 3 होता है 3, 83 का कितना हुआ 24 के फैक्टर्स निकालने हैं 5, बताओ मैम प्लस 8x माइनस 3x प्लस 8x 8 माइनस 3 83 का 24 के फैक्टर्स 83 का और 5 आने के लिए 8 माइनस 3, यहां तक सबको आ गया, पर फैक्टर्स कौन से निकालने हैं वो पता चल गया सबको? यस यस मैम। अब देखो 4 रूट 3x स्क्वायर 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3 फैक्टराइजेशन कॉमन। अब मैंने उनको ये चीज सिखाई है कॉमन निकालने में, अगर गड़बड़ हो तो दोनों ग्रुप में से जिसका भी तुम्हें इजी लग रहा हो उसका पहले कॉमन निकाल देने का। ये दो तो फर्स्ट में दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है? 4 और 8 में से निकल जाएगा ना 4x कॉमन निकल जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ रूट 3x माइनस, करेक्ट? यहाँ पे 4 कॉमन है, x कॉमन है तो रूट 3 बचा, यहाँ पे 4 टू 8 हो गए तो 2 बचाएगा, x बार कॉमन सेम। अभी ये दो ग्रुप के बीच में साइन माइनस किया तो माइनस हो गया माइनस रूट 3 सेम ब्रैकेट हम पीछे भी लिखेंगे 3x प्लस 2 एंड नाउ यू विल चेक 2 एंड दिस वाज 2 रूट 3 एंड इट बिकेम 2 सो क्या कॉमन निकल गया इसमें से? माइनस रूट 3 रूट माइनस रूट 3 ठीक है। Alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x square minus 2x plus 3. Okay. And whose zero, find the polynomial whose root, zeros roots could be both the same are alpha plus 2. Ab dekho ye hamara first zero, ये हमारा सेकेंड जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है फॉर्मूला यस मैम, स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये दोनों चीजें फाइंड करो, मेरे जीरोस कौन से हैं वो मैंने बता दिए, ये रहे, ये फर्स्ट जीरो है जो मैंने बॉक्स बनाया दैट इज द फर्स्ट जीरो एंड ये सेकंड जीरो है, ठीक है? सो दीस आर द जीरोस, फर्स्ट जीरो एंड सेकंड जीरो, अल्फा पूरा अल्फा, ये पूरा मैं फर्स्ट जीरो इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अल्फा बोलूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें ऑलरेडी अल्फा है इसके लिए, तो ये पूरा फर्स्ट जीरो पूरा सेकेंड जीरो, तो हमें ये दोनों का पहले सम फाइंड कर लेना है, सम ऑफ जीरोस। दोनों जीरोस का सम, सम ऑफ जीरोस कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 ओके। नाउ ये अल्फा प्लस बीटा को ऐसे रखते हैं ब्रैकेट में,
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुमको मिलेगी यहां से, क्या मिलेगी अल्फा प्लस बीटा की? टू. सबको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए. तो डायरेक्ट लिख दो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, माइनस बी अपॉन ए करोगे तो माइनस माइनस टू अपॉन वन, दैट इज प्लस टू. सर राइट, टू प्लस फोर, ये सम ऑफ जीरोस आ गया. अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट मल्टीप्लाई दोनों को, तो मल्टीप्लाई अल्फा को पूरे ब्रैकेट से, टू को पूरे ब्रैकेट से. मैम इधर हम कुछ आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं ना? हाँ लगा सकते हैं. टू अल्फा, अल्फा इनटू बीटा, टू अल्फा एंड अल्फा इनटू बीटा प्लस टू अल्फा प्लस फोर. यस, ठीक है. सो अल्फा बीटा, अब देखो इधर से एंड बिगिन टू कॉमन, अगर अल्फा प्लस बीटा कॉम्पैटिबल में आ जाए प्लस. अब ये सब वैल्यू है हमारे पास, ऑल दिस वैल्यू वी हैव. जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी टू, यही पॉलीनोमियल से देखो यहां से इधर से जो निकली थी ये वाली, ठीक है. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू टू, अल्फा बीटा की वैल्यू थ्री, ये अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू थ्री. सो थ्री प्लस फोर प्लस फोर, दैट इज इलेवन, और ये आ गया सिक्स. सो मेरे पास प्रोडक्ट एंड सम दोनों आ गए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. Sum of zeros plus 6, product of 0, 11. So this is your quadratic polynomial. This is your quadratic polynomial. किसी को कोई doubt है? जब भी ऐसे sums आए ना, तो ऐसा हो तो सबसे पहले ना इसमें से alpha plus beta ना alpha beta corner में निकाल के रखी दो. ये जो वैल्यू है ये वाला पॉलिनोमियल दिया ही होगा, एक पॉलिनोमियल दिया होगा, दूसरा पॉलिनोमियल बोलेंगे फाइंड करो, ठीक है, जिसके जीरोस कुछ दिए होंगे तुमको. तो ये पॉलिनोमियल तो दिया ही होगा, ऑलवेज सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करके रख दो, क्योंकि वो आगे तुम्हें पुट करनी होगी इसके लिए. ओके, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. क्या होगा इसका, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा इसका बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये अल्फा और ये बीटा सेम. अब तो बेटा इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि डायरेक्ट पता चलना चाहिए. देखो एडिटिव इनवर्स है, तुमको बताया भी था एडिटिव इनवर्स, टू माइनस टू, रूट टू माइनस रूट टू, रूट फाइव बाई थ्री माइनस रूट फाइव, एक प्लस में एक माइनस में, तो उसमें बीच में सम जीरो हो जाता है, सीधा प्रोडक्ट ही आता है. एक्स स्क्वायर माइनस सम एंड प्रोडक्ट, ये तो जीरो ही हो जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस टू, रूट टू इंटू रूट टू इज टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू. तो x square minus 2 से हम करेंगे पूरा इसको डिवाइड पॉलिनोमियल को. सिक्स एक्स जीरो एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना, फिर सिक्स एक्स एंड माइनस टू. ओके, एक्स स्क्वायर जीरो एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना बेटा, फोर थ्री टू नहीं है, yes, टू नहीं है, इसीलिए वो लिखना पड़ेगा. ठीक है, करूं बेटा क्या? हो गया सबको, आ गया ये वाला सब? हो गया,
मैम हो गया आ गया हो गया मैम 16 ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलीनोमियल बाय अ पॉलीनोमियल द कोशेंट एंड रिमाइंडर आर दिस दिस इज कोशेंट कोशेंट दिया है x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 एंड रिमाइंडर दिया है हमें फाइंड करना है बाय पॉलीनोमियल p ऑफ x देखो ये इधर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऑन डिवाइडिंग दिस मतलब ये ऐसा है f ऑफ x को p ऑफ x से डिवाइड यू गेट कोशेंट एंड ओके इट इज लाइक दिस f of x को p of x से डिवाइड तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा f of x equals to p of x 2 of x plus r of x और इसमें से हमें ये फाइंड वो जो है क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में से बट उधर g और p यूज किया है f और p यूज किया है बस कोई डिफरेंस नहीं है इतना ही है Obtain all the zeros of the polynomial when 2 and minus 2 are the zeros of the polynomial, right? Same root 2, minus root 2 jaisa, iska aega minus 4. Minus 4. Polynomial kya banega? X square minus, in dono ka product. 2 into minus 2, kitna hota hai? Minus 4. Iska quadratic polynomial ye banega, theek hai? Ye tum direct kab kar sakte ho? Jab ye additive inverse ho beta. मतलब एक टू है दूसरा माइनस टू है एक रूट टू है दूसरा माइनस टू है रूट टू है ओके इन दैट यस मैम आपने वो लिखवाया था ना कि जब एडिटिव इनवर्स हो तो बी इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है ओके सो आई होप काफी मैम सबके 20 अबव के आसपास हो रहना चाहिए स्कोर हां मैम सेकंड में आंसर माइनस 10 नहीं आएगा नहीं 2 के माइनस 20 आ रहा है ना हाँ तो मैम के इज इक्वल 10 ही तो हुआ 2 के माइनस 20 इक्वल्स टू 0 सो 2 के इक्वल्स टू 20 के इक्वल्स टू 10 ठीक है ओके सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 मैंने सबसे पहले तो दिया था होमवर्क यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो मैं उसका होमवर्क दिया क्लियर सबका तो नहीं हुआ होगा जिसने किया है वेरी गुड तो आगे चीज समझ में आएगी जिसने नहीं किया है उनका तो क्या ही कर सकते हैं सब लोग एक्सरसाइज 1.2 ही निकालो अभी एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा था अभी क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 12 15 21 12 के फैक्टर्स निकालो 15 के निकालो 21 के निकालो फैक्टर्स क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल एचसीएफ एंड एलसीएम ही फाइंड करना है ट्वेल्व के फैक्टर्स 2 into 3 3 into 5 and 3 into 7 अब HCF के लिए तीनों में कॉमन होना चाहिए टू फाइंड HCF तीनों में फैक्टर्स में एक नंबर कॉमन होना चाहिए 3 और LCM में कॉमन वाला तो आएगा ही साथ में जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा 2 square 5 and 7 Okay? 17, 20, 29, 23, 9.
17, 23, 29 क्या कॉमन है? One. Okay, one is common. HCF will be 1. LCM will be 70, 23, 29. इसको बेटा बोलते हैं जिसका HCF होता है 1. बोथ नंबर्स को बोलते हैं को प्राइम. को प्राइम. ठीक है, तुमको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? को ऐसा कंपनी समझ रहेगा, प्राइम नंबर्स की कंपनी पूरी की पूरी, मतलब कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है. जैसा प्राइम नंबर में होता है, प्राइम नंबर में सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन होता है नंबर इटसेल्फ. को प्राइम्स मतलब ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, ऐसे नंबर्स. ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. तो उसमें जैसे 3, 4, 7 ये भी को प्राइम हुआ, क्योंकि ये तीनों नंबर कोई एक टेबल में आए ऐसा कोई टेबल ही नहीं है. तो इसका भी अगर हम HCF निकालेंगे 3 का 4 का 7 का, HCF will be 1. और जिसका HCF 1 होता है उसे बोलते हैं को प्राइम्स. ओके, दैट इज कॉल्ड को प्राइम. अंडरस्टूड? ये ध्यान रखना और ये लिख लेना, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में ना बेटा ऐसा प्रूव दैट बना के पूछते हैं कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम प्रूव दैट दिस दिस एंड दिस नंबर या दो नंबर या तीन नंबर आर को प्राइम्स. ऐसा लिखेंगे, प्रूव दैट दीज नंबर्स आर को प्राइम्स. मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसका HCF फाइंड करना है और प्रूव करना है कि उसका HCF 1 आ रहा है. HCF 1 का मतलब नंबर्स आर को प्राइम्स. क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये लिख लेना, इसे को प्राइम्स कहते हैं जिसका HCF 1 होता है. ओके, चलो थर्ड. इसमें LCM दिखाना जरूरी है क्या? इसमें LCM दिखाना जरूरी है? LCM नहीं चलेगा, 17, 23 तो कर दो मल्टीप्लाई. ये नंबर छोटे हैं तो कर सकते हो मल्टीप्लाई, बड़े नंबर्स को छोड़ सकते हो. ओके मैम. 8, 9, 25 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1, तीनों में. देयर इज नो कॉमन फैक्टर, मतलब इसका HCF इज 1. नहीं मैम, मैं ऐसा पूछ रही थी कि LCM की मेथड दिखाना जरूरी है कि डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि LCM equals to 17 into 23 into 29. मैं बेटा मेथड नहीं दिखानी. ओके मैम. क्वेश्चन नंबर 4. गिवन दैट LCM HCF and LCM किया बेटा, यू नो द फॉर्मूला राइट? सबको किया मैम? वो वेरिफिकेशन HCF into LCM equals to A into B.
HCF into LCM equals to A into B. HCF, HCF is 9. LCM हमें find करना है. और A और B क्या है ये दोनों numbers. 306, 657. Simply find these numbers. मैम हो गया क्या है आंसर व्हाट इज एलसीएम 22,338 34 into 650 34 yes ma'am 6 ke sath ho raha hai 34 ma'am 34 into 6 34657. Question number 5 and 6 काफी important sums हैं for 2 marks. मैम. हाँ. इसमें हम multiply किए बिना छोड़ देंगे तो चलेगा? देखो बेटा या तो एक्सपोनेंट फॉर्म में मतलब फैक्टराइजेशन के फॉर्म में छोड़ोगे या मल्टीप्लिकेशन ये अधूरा फैक्टर्स भी नहीं लिया ना तुमने 36 का नंबर ठीक है तो या तो फैक्टर्स करो फैक्टर्स यानी कि 2 पावर दिस 3 पावर दिस प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन का आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 5 2 मार्क्स के लिए अब एक आध बार ये 3 मार्क्स में पूछा गया है बहुत इजी सम है थ्योरेटिकल है सो फर्स्ट लेट आई विल एक्सप्लेन यू एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू राइट इट डाउन ओके चलो चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n ओके मतलब n की ऐसी कोई वैल्यू बतानी है चेक कर दी कि ऐसी कोई वैल्यू है ये एन की वैल्यू 1 रखो 2 रखो 3 रखो और जब इसे सॉल्व करें तो एंड डिजिट 0 है ऐसी कोई एन की वैल्यू है मतलब अगर एन 5 रखा है 6 रखा ऊपर पावर में नो मैम मैम 10 से हो सकता है नहीं No, ma'am. 6 power 10, 6 into 10 नहीं है. 6 power 10 मतलब 6 into 6 into 6 into 6 into 6 into 6 into 6. 10. Okay. तो उसमें भी पीछे 6 ही आने वाला है. So, इसकी condition है कि जब power में कोई ऐसी value हो और हम चाहते हैं कि वो end करे 0 से, तो नीचे जो base होता है ना, base number, जैसे यहाँ पे base हमारा क्या है? 6. उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो क्या आता है 2 into 3 तो हमें क्या चाहिए ऐसा नंबर का बेस चाहिए जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 and 5 हो मतलब उसके अंदर 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए कंपलसरी फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 20 power n ठीक है तो इसमें निकलेगी n की बहुत सारी वैल्यूज निकलेगी इनफैक्ट सारी वैल्यूज कुछ भी रख दो नेचुरल नंबर इट विल एंड विद द डिजिट 0 क्यों इसका जो बेस है 20 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 into 5 2 square into 5 ओके एंड एज आई सेड हमें फैक्टर्स में क्या चाहिए 2 and 5 फैक्टर्स चाहिए ठीक है तो बेस के बेस में प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 होना चाहिए वो कंपलसरी है कि 2 और 5 दोनों आने चाहिए सिर्फ 2 सिर्फ 5 नहीं
टू एंड फाइव, उसके अलावा कोई तीसरा नंबर आएगा तो भी चलेगा, बट ये दोनों फैक्टर्स तो होने ही चाहिए, तभी वो जीरो से एंड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. ठीक है, मतलब कैसे नंबर्स 10 के मल्टीपल्स, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 150, 10 के मल्टीपल्स हो ना अगर बेस पे तो वो जीरो से एंड करेगा. कुछ भी पावर ले लो, जीरो से एंड करेगा. क्लियर? यस मैम. तो मैं उसको लिखने का कैसे, मैं बता दी, लिखो. देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज, प्राइम लिखना है सबको नोटबुक में, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज टू इंटू थ्री. Prime factorization of 6 is 2 into 3. If the number 6 power n, if the number 6 power n, comma, if the number 6 power n, comma, for any value of n, comma, for any value of n, will end with the digit 0, only if only if 6 has a prime factor 6, only if 6 has a prime factors 2 and 5, has a prime factor 2 and 5, has a prime factor 2 and 5. Here, full stop karna, here 6 has a prime factor 2, has a prime factor 2, but 6 has a prime factor 2, but 5 is not the factor, but 5, here 6 has a prime factor 2, but 5 is not the factor of, 5 is not the factor, that's it. 5 is not the factor. So, the uniqueness, अब ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये कीवर्ड है बेटा, मतलब ये तो सब में लिखना ही है, ठीक है? तो हाईलाइट कर देगा, अंडरलाइन कर देगा. द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल
the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic. मैम थ्योरम के बाद क्या बोला? तो ये पूरा लिखा ही है मैंने. यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. अंडरलाइन करना ये पूरा सेंटेंस. लिख दे तो चलेगा क्या? क्या बोल रहे हो? So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime. Uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees. और शोज कुछ भी लिख दो, ठीक है. गारंटीज दैट देर आर नो अदर प्राइम्स या प्राइम नंबर, व्हाट एवर यू विश टू राइट. देर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ In the factorization of 6th power n. In the factorization of 6th power n. ठीक है, ये स्टेटमेंट पूरा याद कर लेना है. 6th power n की जगह पे 4 power n, 11 power n, 12 power n, 2 power n, 3 power n, कुछ भी पूछो सब में यही आएगा. सिर्फ खाली ये नीचे वैल्यू चेंज होगी बस. तो ये स्टेटमेंट लिखना ही है. तो मैं रिपीट कर रही हूँ पूरा स्टेटमेंट और बता रही हूँ उसका मीनिंग क्या होता है. सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n. मतलब 6 के सिर्फ यही दो फैक्टर्स है, इसके अलावा आगे जाके ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई एक तीसरा फैक्टर भी आ गया. ओनली दिस टू फैक्टर्स. तो अगर सिर्फ यही दोनों फैक्टर्स है तो इट विल नॉट एंड विद द डिजिट 0. ओके, तो अब इसके आगे लिखो. सो फुल स्टॉप कर दो और फिर आगे कंटिन्यू. सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n. सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 power n ends with the digit 0. 4 power n ends with the digit. Ma'am. हाँ. For which के बाद please repeat करोगे? Yeah, for which का था. अच्छा. Ma'am, natural number के बाद. No natural number n for which 6 power n. For which 6 power n. ends with the digit 0. 6 power n ends with the digit 0. रखड़बूच है. 6 power n ends with the digit 0.